हेलो एवरीवन, ग्रेविटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेविटेशन है ना भाई, तो ग्रेविटेशन में क्या है? ग्रेविटी है ना, और जीवन में ग्रेविटी होनी जरूरी है भाई साहब, नहीं तो लोग कहते हैं कि इस आदमी में ग्रेविटी नहीं है, फिर आपको बुरा लग जाता है कि नहीं? आजकल लोग ये नहीं बोलते कि इस आदमी में ग्रेविटी नहीं है, आजकल लोग बोलते हैं बंदे में चार्ज कम है, स्पार्क नहीं है। मतलब लोगों को थ्रेशोल्ड पर चाहिए, समझ रहे हो? स्पार्क कब होती है? हाँ, जब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की, आप जितनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दो, तो मतलब हाईली चार्ज्ड बॉडी होना चाहिए। है जी, कोरोना डिस्चार्ज जैसा। हाँ हाँ, तो उसी को तो कहते हैं स्पार्क। स्पार्क का मतलब है, ग्रेविटेशन पर आ जाए, यहाँ कोई स्पार्क नहीं है ना। ग्रेविटी तो पता ही है सब, क्या होता है ग्रेविटी? हाँ, ग्रेविटी का मतलब द रीजन इन विच एनी पार्टिकल और बॉडी एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मास होंगे, है ना भाई? उसे हम कहते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मास की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो बात होती थी वो किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज की। यहाँ थोड़ा सा फर्क है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या होता है कि मास, जैसे कंडक्टर होते थे ना, वहाँ कंडक्टर में चार्ज क्या होता था, इधर उधर भागा भूगी करता था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बदल देता था वो कहीं कहीं पर। जैसे कंडक्टर के आसपास, अगर आपने, जैसे ये कंडक्टर होता था अपने पास, है ना, कंडक्टर में क्या किया आपने, इसके पास चार्ज लेके आए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे घेर के सुरक्षा कवच प्रदान कर देते थे और अंदर नेट फील्ड को क्या कर देते थे? जीरो, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन के इधर इधर इंडक्शन होने की वजह से क्या होता था, अगर ये कंडक्टर ना होता, अगर ये ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग ना होता, तो क्या होता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती इस चार्ज की, कोई कहीं नहीं भागा भूगी करता, है ना। लेकिन कंडक्टर में चार्ज इधर उधर भाग के मामला इधर का उधर कर देते हैं, सब अंदर फील्ड होना चाहिए थी, इस चार्ज की वजह से उसको गायब कर देते हैं अपोजिट में फील्ड जनरेट करके। मास में ऐसा नहीं होगा, मास में कैसा नहीं होगा, ऐसा ये इधर उधर के कहने लगे यहाँ का पूरा कंडक्टर का मास यहाँ चला गया, यहाँ खोखला हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मास मूवमेंट नहीं होगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से मास का मूवमेंट थोड़ा बहुत होता है, बट दैट मास इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, तो बस एक बात सुन लो, क्या नाम था उस आदमी का? न्यूटन। क्या बताया उसने? आया जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बताओ भाई क्या होता है? हाँ भाई, क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? है जी, अभी एक पॉइंट मास है, कैसा मास है? पॉइंट मास। और एक दूसरा पॉइंट मास है, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? आर के बराबर। तो अभी इस M1, इसको M1 ले लो मास को, इसको मास को M2 ले लो, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना, और उसकी वैल्यू न्यूटन ने क्या बताई थी? जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, सीधी सीधी सी बात है जो है सो है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट मासेस के लिए एंड स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है।
ठीक है, दो जगह ही लगेगा, पॉइंट मास में लगेगा और स्फेरिकल सिमेट्रिक में लगेगा। दूसरी बात, क्या ये मीडियम पे डिपेंड करता है फोर्स? ये मीडियम इंडिपेंडेंट है कि नहीं? और तीसरी बात, ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स है, हमेशा कैसा होगा? हाँ, इसमें केवल आकर्षण है। और कोई और बात? एंड ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव है, सेंट्रल है। तो सेंट्रल है तो कंजर्वेटिव पक्का होगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? पॉइंट याद रखना, ठीक, बढ़िया जी। तो भाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती थी, वैसे ही क्या होगी? अब ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, होगी कि नहीं? लेकिन अब जैसे मान लो आपने कहा कि कोई स्फीयर है। कौन है? स्फीयर है। अगर ये मान लो, इसको हम दो हिस्सों में सोचें, अगर ये चार्ज स्फीयर होता, कैसा स्फीयर? चार्ज होता, तो हम फिर यहाँ पर मास के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? नेग्लिजिबल, और केवल चार्ज के इफेक्ट को लेते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती चार्ज की वजह से, या दूसरे शब्दों में चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी वो कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? के क्यू, के की जगह क्या लिखते हैं? 1/4πε0, है ना? और q/r2, ये कहाँ आती? आउटसाइड आती कि नहीं? तो इनसाइड क्या आती? 1/4πε0 qr/r3, ये कहाँ आती? इनसाइड। इसमें कैपिटल R क्या है जी? रेडियस ऑफ स्फीयर है। ये बात में कोई दिक्कत तो नहीं? पोटेंशियल क्या लिखते हैं आप? KQ/r, KQ/r, ये कहाँ लिखते? आउटसाइड। और बोलिए, KQ/r ही तो लिखा है, ठीक है ना भैया? दिखाई दे रही है। और V की वैल्यू अगर आप इनसाइड लिखते तो क्या लिखते? 1/4πε0 Q/R, और ये इनसाइड होता, सॉरी। ये अगर सॉलिड स्फीयर ले लिया जाए, कैसा स्फीयर? पूरे में चार्ज है, वॉल्यूम में इसके, है ना? तो उस कंडीशन में पोटेंशियल का अंदर वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है? KQ/2R³। क्या बात है, तुम लोगों को याद है? KQ/2R³ 3R²-R², ये इनसाइड के लिए हो जाता, हो जाता कि नहीं? अब मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से ग्रेविटेशन में चीज़ें कन्वर्ट करनी आ जाए, ठीक है? अब मैंने कहा ये सारी बातें, अगर मैं मास, केवल मास की बात करूँ, तो मास की वजह से भी फील्ड जनरेट होगी, लेकिन वो फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आर कैप लगा देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आर कैप लगा देता हूँ। पोटेंशियल में तो क्या लगाऊंगा? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मैंने कहा अगर मास के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो जो फील्ड आएगी उसे अगर ई से रिप्रेजेंट करो, तो वो अब कौन सी है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। कुछ लोग इसे स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा कर लो भाई, आपकी फील्ड है, है ना? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब के की जगह कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? जी एम अपॉन, एम इज मास, अपॉन r² आर कैप इन माइनस। ये माइनस क्यों लगा दिया गया जी? क्योंकि अभी अगर मास के पर्सपेक्टिव में सोचो, जैसे चार्ज के पर्सपेक्टिव में सोचो, यहां कोई प्लस क्यू चार्ज रखा तो इस पर फील्ड किधर को लगेगी? बाहर की तरफ। और अगर कोई मास रखा और मास के पर्सपेक्टिव को सोचोगे तो अंदर खींचेगा, तो अपोजिट होगी फील्ड, है ना? समझ गया ना बात को? तो मैंने कहा भाई ये तो ठीक है, चलो अब इस वाले फॉर्मूले को बदलोगे, इनसाइड फील्ड लिखने की, तो क्या लिखोगे? जी एम आर आर क्यूब आर कैप, कोई दिक्कत की बात नहीं। पोटेंशियल क्या लिखोगे? माइनस जी,
माइनस का है। पहले खींच के इस पॉजिटिव चार्ज को अगर सोचो कि यहां से खींच के लाना पड़ेगा तो वर्क करना पड़ेगा पॉजिटिव, इसको क्या होगा पकड़ के रखना पड़ेगा नहीं तो भग जाएगा, इसमें ये अपने आप चल के आ रहा है और इसको आपको खींच के लाना पड़ता है, तो इसमें जो वर्क होगा इसमें उसका उल्टा वर्क होगा, तो पोटेंशियल अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा सब जगह निगेटिव। तो पोटेंशियल आउटसाइड क्या बनेगा, वी इज इक्वल टू बताओ जरा, तो वी आउटसाइड बनेगा माइनस जी एम अपॉन अपॉन स्मॉल आर, कोई मुश्किल है? और वी इनसाइड का फॉर्मूला बोलो, माइनस तो बोला करो, जी एम बाई टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ऐसे सारे फॉर्मूले बदल लोगे भैया जी, भैया जी ये जी कौन सा है, ये जी ये वाला है। अरे यार उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला क्या बनता था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के ही तो था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या लिख दोगे, यहाँ पर जी आ रहा है तो जी लिख देंगे हर जगह, और क्यू की जगह क्या लिख दोगे एम लिख दोगे, और डायरेक्शन फील्ड का अपोजिट कर दोगे और पोटेंशियल निगेटिव कर दोगे, बस इतना सा करना है कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। तो ये सब फील्ड वील्ड लिख दोगे कि नहीं, लिख देंगे। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, इधर आ जाओ बढ़े गाय। अब देखो ध्यान से, ये एक स्फीयर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी है, यहां पर आर दिखा दिया है, ठीक। अब मैंने कहा यहां इसके ठीक नीचे एक बना दिया मास, मास का स्फीयर है केवल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, यहां पर कौन सी फील्ड दिखाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब मैंने कहा चलो दोनों के ग्राफ बना लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आप देखोगे इनसाइड वाला, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू बाई के क्यू आर बाई आर क्यू, याद आ रहा है? अब ये टर्म पूरा कांस्टेंट है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब ग्राफ बनाओगे तो आप कहोगे देखो ये वो जोन है जहां पर आप स्फीयर के अंदर हो, मतलब आपकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर से कम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा बनने वाला है, दिख रहा है? और फिर क्या होगा, बाहर के लिए फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर बढ़ता जाएगा तो फील्ड घटती जाएगी, तो घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो। और यहाँ पर अगर इसका अपोजिट देखोगे तो इधर बना देना ऐसे करके यूं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना दिया आपने कि ना बनाया, अरे कोई डाउट है, कितना डाउट है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल आएगी, तो इसको अगर आप देखो तो वाई इज इक्वल टू, ये एम बना लो, तो ये एम और आर को एक्स बना लो, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन बनेगी, तो ये जो लाइन आपने खींची y इज इक्वल टू एम एक्स ये खींच दी। अब आपने कहा कि बाहर लेकिन क्या होगा, r के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, घटते घटते जब r इनफाइनाइट होगा तो जीरो हो जाएगी, तो आपने इसको घटाते घटाते ऐसे करके जीरो कर दी। अब इस तरफ जो होगा, जैसे इधर चार्ज रखोगे तो फील्ड इधर को आएगी, इधर सोचोगे तो फील्ड अपोजिट में आएगी, आगे को अगर ऊपर दिखाओगे तो पीछे को नीचे दिखाओगे, तो ये नीचे दिखाते हुए ऐसे फील्ड बना दी, ना हो पाएगा, इसकी फील्ड बनाओ फटाफट, मास की फील्ड बनाओ, तो बहुत देर हो गई, अब तक तो बन जानी चाहिए थी, मास की फील्ड ना बनाइए, दी मास कैसी बनी, पलट देते हैं पूरे ग्राफ को, इसको यहां से पूरा ऐसे पलट दे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बदल जाएगी, तो अब ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये और फिर जीरो और फिर जीरो, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है ना, अच्छा एक आध और बना लो ग्राफ जी, ये ग्राफ पलटा क्यों, मास में जैसे ये पॉजिटिव चार्ज रखा था
तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स ऑन पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स इधर लगा था। यहाँ पर एक किलोग्राम का मास रख लो तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो ग्रेविटेशन फील्ड की दिशा अपोजिट है, समझ गए? तो इसमें आगे की तरफ थी तो ऊपर था, और इसमें पीछे की तरफ है तो नीचे है। आगे का मतलब ऊपर और पीछे का मतलब, भैया याद रखो यार तुम, ठीक है? एक और बनाएंगे, चलो एक और बनाओ, दोनों की साथ साथ बनाना। ये चार्ज्ड शेल है, कौन है? चार्ज्ड शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, यूनिफॉर्मली तो समझ ही रहे ना, लिख दिया मैंने, तुम लोग बाद में पंगा करते हो। यूनिफॉर्मली, अब यहां पर आप दिखाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डिस्टेंस सेंटर से आर। सिमिलरली मैंने कहा यहाँ पर एक मास ले लिया, ये चार्ज शेल था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है? ये मास है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये क्या है? मास शेल, मास शेल। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ बनाओ जल्दी जल्दी। बन गया? अभी बना रहे हैं, बना लो। ना बन सका? अरे कहाँ घुस गया अंदर? अच्छा अभी पहले वाले में हो, चलो बनाओ 15 सेकंड, ठीक है? अब देखना ध्यान से, मैं ग्राफ बनाऊं कि ना बनाऊं? बना दूं, मेरे को चौक मिल गई है, मैं ग्राफ बना रहा हूं भैया। तो ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, अंदर तो फील्ड जीरो दिखाई और यहां पर ऐसे दिखाई, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये गला ग्राफ गलत है, रॉन्ग है, ये ग्राफ रॉन्ग है, क्योंकि मैंने कहा अच्छा इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप मुझे बता रहे हो, और ये जो पॉइंट है ये अंदर है शेल के, और मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिखा रखी है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए ना, ये तो गलत हो गया ना ग्राफ, तो गलत है तो बताओ गलत है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों सही लगेंगे आपको, ये गलत हो गया ग्राफ। बाहर बनाना था ना यार ग्राफ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना दिए हो? तो जहां से जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो आप कहोगे देखिए जी ऐसा है भाई साहब कि ये मेरा शेल है और आर की वैल्यू यहां से और यहां के बीच, अगर R की वैल्यू यहां से यहां के बीच में कहीं भी जाओगे तो फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो मतलब R की इन वैल्यूज के अंदर आने की हिम्मत ना करिएगा, ठीक है? इसके अंदर गए तो गए, फिर बाहर ना आ पाओगे, अभिमन्यु बन जाओगे, फिर सब गियर के पीटेंगे अंदर के लिए, अंदर आ गए तुम, आओ इधर आओ, है ना? फिर क्या होगा? फिर पिताजी तपस्या लेंगे, और क्या, वो तपस्या नहीं, प्रतिज्ञा लेंगे, प्रतिज्ञा, प्रतिशोध, फिर सूरज ढका जाएगा, फिर खोला जाएगा, ठीक है ना? कौन था वो? अर्जुन। कितनी बड़ी बात बताई, अबे अर्जुन का क्या, जिसको मारना था वो कौन था? चलो भैया आ जाओ वापस। अभी देखो मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ गई, मान लो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बताओगे? आप कहोगे ये होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, है ना? तो अभी ग्राफ, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटते 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 क्या हो जाएगी, टच मत करना इसको, इसको ऐसे पास आते आते छोड़ देना, है ना? नहीं दूर जाने लगो, कई बार लोग बनाते बनाते कह लें ठीक बस,
ये ना हो पाएगा, ये लगातार घटेगा, एसिम्प्टोटिक जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप सेम पॉइंट लोगे और ग्राफ कैसा बना दोगे, ऐसे पीछे की तरफ। मुश्किल बात तो नहीं? अब इसका और बना देते यार तो अच्छा रहता ना। पलट बोल रहे, पलट पलट के बना दो भैया। तो कैसा बनेगा? तो आप कहोगे इसमें ऐसा बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा। अरे मुश्किल है क्या? ये किसका ग्राफ है? ग्रेविटेशनल फील्ड का। अंदर फील्ड क्या है? जीरो है। दिख रहा है ना ग्राफ? कितना दिख रहा? ये ऐसे टच नहीं होना चाहिए कायदे से। आप मेरी भावनाएं समझिए, समझ रहे हैं? हाँ, ये टच नहीं होगा यहाँ पर आके, हल्का सा ऐसे छोड़ देंगे इसको बस यहाँ पर, ठीक है? यहाँ टच होता वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा बोले, नया में नहीं दिख रहा बोले। गुड वन, ऐसे छोड़ देंगे इसको, डन। कोई घबराने की बात तो नहीं? अरे कहना भाई सब घबराते घबराते ना, ठीक है? और कर रहा है मन? और कर रहा है नहीं? और हाँ, एक और बोल रहे बनावा दो। चलो एक और बनाओ। अच्छा, अभी मैंने कहा ये एक मेरे पास चार्ज्ड शेल है। कैसा शेल है? चार्ज्ड शेल। तो चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली बांट दिया गया है, और मैंने कहा इसके पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है आपको। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक शेल है जिसमें केवल मास है, चार्ज नहीं है। तो इसके आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का और इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। तो बनाएंगे कि ना? बनाएंगे, बनाइए। अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर, और बाहर के क्यू बाई आर। शेल है ना, तो पूरे चार्ज को कहाँ मान के करोगे? सेंटर पर मान के। तो ग्राफ तो बनाओ। ये यार कितना गंदा स्फीयर है यार, स्फीयर ही नहीं लग रहा है। तो इसका तो सेंटर ही डिसलोकेटेड। चला लो काम, बनाओ बनाओ बनाओ। 15 सेकंड भी नहीं मिलेंगे। हाँ भाई, तो अभी देखो पोटेंशियल अंदर क्या रहेगा इसके? के क्यू बाई कैपिटल आर। अंदर पहले अंदर हो गए बाहर, ये समस्या समझ में नहीं आती। ये इन दो लाइन के भीतर अंदर माना जाएगा, है ना? अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक पॉइंट है, बताओ आप अंदर हो के बाहर? अंदर हो। अरे यार ऐसे मत देखना यार, कहना भाई से बाहर दिख रहा है यार, कह रहे अंदर हो, ऐसे नहीं देखते। इसकी सेंटर से इस पॉइंट का ग्राफ है, पिक्चर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है। ये कौन है? ग्राफ, ग्राफ है ये। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे सेंटर से, जो कि ये दिख रहा है। ये डिस्टेंस कैपिटल आर से कम है, इसका मतलब है ये पॉइंट किधर है? सेंटर से, आर से कम दूरी पर है, है ना? तो जब इसका फोटोग्राफ देखोगे तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? आप कहोगे अगर इसका फोटोग्राफ देखोगे तो ये पॉइंट यहाँ से, मान लो कि इसकी कैपिटल आर की वैल्यू 2 मीटर है और ये लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर की दूरी पर कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखना, नहीं तो बोले बाहर, तो बताओ बाहर को अंदर बताते हैं और अंदर को बाहर बता देते हैं, है ना? समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है? तो अभी अंदर पोटेंशियल क्या है? आपने कहा अंदर जो पोटेंशियल होगा इसके वो कितना होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर, जीरो नहीं होता। तो आपने कहा भाई यहाँ पर तो सेम रहने वाला है, आप इस लाइन को यहाँ खींच दिए और ये लेंथ कितनी दिखाए? के क्यू बाई कैपिटल आर। दिस के क्यू बाई कैपिटल आर कैन हैव अ लेसर वैल्यू ऑल्सो, इट कैन हैव अ ग्रेटर वैल्यू ऑल्सो। ये मत सोचना कि ये बाहर कैसे दिखा दिए पोटेंशियल, ये बाहर नहीं है, अंदर ही है, है ना? अब हमने कहा क्या होगा, पोटेंशियल लगातार घटेगा, घटते 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 जीरो, लगातार घटेगा, घटते 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 जीरो। इसका भी बनाना है यार, उल्टा कर ले।
हाँ जी, हर चीज़ थोड़ी उल्टी हो जाती भाई साहब यार, हर चीज़ थोड़ी कर रहे हैं, पोटेंशियल कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव दिखाते हो तो इसका नेगेटिव दिखाओगे तो उल्टा करना पड़ेगा, नहीं समझे बात को। तो इसका पोटेंशियल कैसा आ जाएगा, आप कहोगे ये अंदर वाला पोटेंशियल हो गया नेगेटिव में और ये सब बाहर वाले नेगेटिव में और ये बढ़ते बढ़ते जीरो और ये बढ़ते बढ़ते जीरो और ये घटते घटते जीरो घटते घटते जीरो। घबराने की कोई बात तो नहीं है सर, पक्का? ये स्ट्रेट लाइन है ना, कांस्टेंट वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर पर जो होगी वही यहां पर होगी, इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी, वही सरफेस पर होगी। तो हर जगह पोटेंशियल क्या है, भीतर के क्यू बाई कैपिटल आर, और बाहर क्या है, के क्यू बाई आर से निकलेगा स्मॉल आर से। अंदर का फॉर्मूला बनेगा के क्यू बाई रेडियस ऑफ शेल, रेडियस ऑफ शेल, और बाहर का फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू बाई स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बनेगा ना। अब इसमें वही चीज माइनस में लिखोगे, इसमें फॉर्मूला बनेगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ शेल, और बाहर फॉर्मूला बनेगा माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इज इट ठीक है, पक्का क्लियर? ठीक है, बढ़िया। दिक्कत थोड़ी है कोई, काय की दिक्कत है भाई साहब? तो अभी मैंने कहा चल ये सब बातें तो समझ रहे, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के बीच में जो अंतर है उसे गायब कर रहे हैं, ताकि जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आती हो वो ग्रेविटेशन कर ले, जिसको ग्रेविटेशन आती हो वो हाँ। अब ये मत कहना कि जिसको दोनों नहीं आती वो क्या करे, है ना? हाँ, वो पढ़े बैठ के और क्या। ठीक है, बढ़िया। तो भाई जी देखना, अब आप अभी मैंने कहा एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, ये रंग दिखाई दे रहा है भैया? क्या बात है, सफ़ेदी तो नहीं दिख रहा, सारे रंग सफ़ेद हैं, कहने लगे ब्लैक एंड वाइट में ज़िंदगी चल रही, ऐसा तो नहीं है? हाँ, जब ब्लैक एंड वाइट में ज़िंदगी चलती है तो उसे क्या कहते हैं? एक रॉड सेल होता है और एक कोन सेल होता है, ऐसे ही कुछ होता है ना? हाँ, रॉड सेल, सिलेंड्रिकल टाइप के सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी को, और जो कोन वाले होते हैं कलर को। तो आपके जीवन में कोन है, कहने लगे कोन मेरी आंखों में ना है। ठीक है, देखो भाई ऐसा होता है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो अभी ये पॉजिटिव Q1, ये पॉजिटिव Q2, मैंने कहा इनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आपने कहा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं फील्ड में फोर्स में आर स्क्वायर आता है, पोटेंशियल में नहीं आता, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, अब मैंने कहा अच्छा अगर मैंने यहाँ पर मास रखे होते एक M1 और एक M2 और फिर मैं आपसे कहता इनके बीच का सेपरेशन आर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बताते, माइनस जरूर लगा लिया करो यार आर, क्या बात है, कोई घबराने की बात है क्या, घबराने की बात नहीं। ठीक है, अभी एक बात और सुनना, है ना? अभी मैंने कहा भाई यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो है 10 वोल्ट, कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो है 5 वोल्ट, ले सकते हो आप? आपने कहा यहाँ पर मैंने क्या किया, एक +2 कूलम चार्ज को रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, किधर भागेगा ये, लो पोटेंशियल की तरफ, काहे हाई पोटेंशियल पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा होगी,
और लो पोटेंशियल वाली जगह पर पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इफ इट इज पॉजिटिव, है ना। तो मैंने कहा भाई साहब अभी मैंने कहा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। तो कैसे करते करेंगे इस सवाल को, तो आपने कहा यार यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, तो क्यू वी इनिशियल, है ना। अब फिर उसको उधर लिखो काइनेटिक एनर्जी, आपने कहा इनिशियली आपने कहा भाई साहब छोड़ा था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, फाइनली ये किसी दूसरी पॉइंट पर पहुंचा, आपने लिखा क्यू वी फाइनल, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर बी पॉइंट पर, तो फाइंड ही करनी है। तो मैंने कहा यार क्यू की वैल्यू दे रखी है मेरे को, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने कहा क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, हाँ जी 2 × 20 लिखेंगे, और क्या इसमें क्या है, क्यू इंटू वी 10 × 2 = 20 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी है 0 और क्यू की वैल्यू 2 × 5, तो एट काइनेटिक एनर्जी बी पर नहीं बता पाएंगे आप, कितनी बताएंगे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। अरे बता दोगे यार, ना बताएंगे हैं, और ठीक है कहने लगे बताएंगे भाई साहब। अभी मैंने कहा यही सिचुएशन मैं आपको किस में दे दूं, ग्रेविटेशन में दे दूं, तो मैंने कहा चलो ग्रेविटेशन में इसी तरह की कोई सिचुएशन देते हैं, दी जाए कि ना दी जाए, दी जाए बोले दी जाए, हाँ। मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर कुछ दूरी पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर एक पॉइंट है सी, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 4 मीटर है, घबराने की कोई बात नहीं है, पक्का। मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर जो पोटेंशियल है ए पर वो है मान लीजिए 10 जूल/किलोग्राम, ये मैंने क्या लिख दिया, वहां पर क्या लिखा था वोल्ट, वोल्ट क्या होता है जूल पर कूलाम, ये क्या है केजी, ये ध्यान रखना, नहीं तो कहने लगे बोल्ट होता है पोटेंशियल का, हम बोल्ट लिखेंगे बोल्ट, फिर वो तुम्हारे खोपड़े के स्क्रू टाइट कर देगा अगर तुमने बोल्ट लिख दिया तो, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर दिया गया 10 जूल/कूलाम, यहाँ पर बी पर पोटेंशियल आपको दिया गया है 5 जूल/किलोग्राम, और यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है 5 जूल/किलोग्राम। नहीं यार ये क्या, व्हाट इज दिस, 15 जूल/किलोग्राम, कोई घबराने की बात है क्या, पक्का नहीं है, है ना। अभी मैंने कहा यहाँ पर एक पार्टिकल जिसका मास है 2 किलोग्राम, इट इज रिलीज कर दिया इसको, तो ये किधर जाएगा, ए पर जाएगा कि ए पर तो है ही, अब ये बताओ बी पर जाएगा कि सी पर जाएगा, कहां पर, बॉम्बे, ये बताने बी पर जाएगा, क्यों जाएगा बी पर, तो आपने कहा अच्छा सोचते हैं कहां जाएगा। मैंने कहा इसकी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखो ए पर, अगर मान लो ए पर होता है तो आप लिखोगे एम इंटू वी से लिख दोगे, तो आप लिखोगे यहां पर एम इंटू वी, वहां क्यू इंटू वी था, या एम इंटू वी आ जाएगा ना आएगा, तो आपने कहा भैया एम है 2 और ये 10 है, तो 20 जूल आ गई एनर्जी। मैंने कहा चलो बी पर बताओ, तो आप कहोगे 2 × 5 कितना होता है, 10 जूल आ जाएगी। मैंने कहा चलो यहां पर बताओ सी पर, तो आपने कहा 30 जूल आ जाएगी, बताओ छोड़ेंगे तो कहां जाएगा, लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा यार, ये तो सभी लोग जाते हैं, आपको कोई छत पर छोड़ दे तो आप किधर जाओगे, ग्राउंड फ्लोर पर, अरे ऊपर छोड़ दे, कोई कहने लगे लो छोड़ रहे हैं, तो मुझसे थोड़ी बोलो कि देखो तुम मुझे बालकनी से बाहर छोड़ रहे हो, 5वें फ्लोर पर, मैं 10वें फ्लोर पर पहुंच जाऊंगा, ऐसे थोड़ी बोलोगे, है ना, ग्राउंड फ्लोर पर ही जाओगे, क्यों जाओगे, लो पोटेंशियल एनर्जी पसंद है आपको, उस समय कोई आपसे पूछे लो पोटेंशियल एनर्जी पसंद है, बोले अरे भाई साहब आई डोंट लाइक चेंज, है ना।
फिर क्या बोलते हैं आदमी, आई डोंट लाइक चेंज, जो है वही रहने दो। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दिया मैंने, कहा बताओ काइनेटिक एनर्जी। तो आपको कहे बहुत सड़ा हुआ सवाल पूछे भाई साहब, आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी 20 थी, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर थी 0, फाइनली ये पहुंच गया बी पर लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 10 थी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पूछ रहे हो। उन्होंने कहा हम बता देंगे, कितनी बता देंगे, 2। टू कहाँ से आ गई भाई साहब, कहने लगे 0 0 उड़ा दिए, कहने लगे 2। ऐसे भाई साहब, इसीलिए भाई साहब कोटा में मास्टर सुसाइड करने की तरफ प्रवृत्ति रखते हैं। हाँ, पूरे पेपरों में छपता है कि बच्चे कर रहे हैं, मतलब मास्टर कर रहे हैं, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है ना, इसीलिए मुझे बंद कमरे में बोलते हैं पढ़ाया करो। ठीक है, ये कर लेंगे। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा, थोड़ा बहुत तो हो गया होगा। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आइडिया ही तो बस खेल है जीवन का, सब कुछ तो किसी को आता नहीं, जितना आता है उतने में खेल जाएंगे अपन, है ना। चलो आओ खेले। मैंने कहा देखो भाई साहब, ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस है 2 मीटर, इसका मास है 3 किलोग्राम। कितना मास है? 3 किलोग्राम। यहाँ पर एक छोटू है, इसकी रेडियस है 1 मीटर, इसका मास है 2 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम है। समझ रहे हैं आप बात को? यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप है 18 मीटर। क्या है? 18 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं। अभी 18, ठीक। अभी मैंने कहा कि भाई यू बताओ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, इन दोनों के इंटरेक्शन की, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इंटरेक्शन ऑफ थ्री किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। तो आपको ये बहुत आसान सी बात है, हम इसको लिखते हैं माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर से, लिखते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा फिर तो जी की वैल्यू मेरे को पता ही नहीं है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्लास 9 6, कहने लगे 6 तक तो याद है भाई साहब, उसके बाद डेसिमल आता था ये भी लग रहा है ऐसा कुछ, 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, एप्साइलन नॉट की वैल्यू अंकित बताएं आप, हाँ आपने मुझसे पूछी थी 8 6 12, बोलो बोलो 12 यूनिट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मुझे याद नहीं है न्यू यूनिट, मैं सोच के बोल रहा हूँ, 10⁻¹⁹, 8.85, कुछ लोग 8.86 कुछ है जी, वो तो हमारे यहाँ तो लिख के आता है बता रहे, और किसी ने सवाल में पूछ लिया मेंस में तो क्या बात है, के की वैल्यू से निकाल लेंगे। अगर आपको के की वैल्यू याद है 9 × 10⁻⁹, और कोई 1/4πε या एप्सिलॉन की वैल्यू पूछे तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस बात का पक्का ध्यान रखना, यहाँ ऐसी कोई हिमाकत ना करना कि जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई साहब, है ना, यहाँ तो याद ही रखनी, वैसे दे देते हैं नॉर्मली, है ना। हाँ तो भाई कर लेंगे ना। अभी मैंने कहा कैपिटल जी के टर्म में ही बता दो, तो एम की वैल्यू 3 और जी कैपिटल जी की वैल्यू तो बताई नहीं किसी ने यार, 6.67 × 10⁻¹⁹ के आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मुश्किल थोड़ी है ये। तो आपने कहा एम वन एम टू की वैल्यू तो बताई नहीं यार किसी ने, 3 × 2 − g/3। कोई दिक्कत है क्या? जी की वैल्यू चाहो तो रख लो, रख लेंगे अपन, और अगर जी के टर्म में ऑप्शन दिया तो जी के टर्म में लगा देंगे। ठीक है, इसको भी रिलीज किया। अब मेरा सवाल आ रहा है,
बोथ रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। कैसे छोड़ा? एक साथ। फाइंड नंबर वन, टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन। टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन, बताएं भाई। जस्ट बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी उतनी तो होगी, बता रहे क्या है? बताएं भाई, बताएं। हाँ भाई, तो ध्यान से देखना आप। अभी जब ये टकरा रहे होंगे ना, तो अगर मान लो आप इनको देखो ऐसे, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट था, ये इस समय ऐसे टकरा रहे होंगे, है ना? तो अभी इनके सेंटर का बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये बस इतना सा ध्यान रखना था, ठीक है? ये किसी वेलोसिटी v1 से चल रहा होगा, अगर ये v1 से चल रहा होगा तो ये v2 से चल रहा होगा, है ना? तो मैंने कहा अपन को क्या लेना देना कौन किससे चल रहा है। हमने कहा देखो, u इनिशियल हमने लिख ही रखा था, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करोगे तो दोनों ही रेस्ट पर थे, तो पहले की भी जीरो, दूसरे की भी जीरो। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो मैं लिखूंगा अभी, और मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और मेरे को टोटल फाइंड करनी है, तो किसकी कितनी है मेरे को क्या, है ना? तो मैंने कहा चलो फिर करते। ये कितना आया था? माइनस g/3। ये टर्म तो जीरो था। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा माइनस g/3 × 2/3, और प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मेरा सवाल खत्म हो गया। तो कितनी आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी जी यहाँ से? पक्का प्लस में आई? निगेटिव में मत ला देना कभी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा 4 नहीं है इसमें, 5 है, 5 लिख लो भाई, 5g/3, है ना? 4g खत्म, खत्म बोले, 5g आ गया, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन अभी इसमें सवाल खत्म थोड़ी हुआ है, अब मैं सवाल अगला बढ़ा दूंगा इसमें, है ना? बढ़ा जा सकता है कि नहीं? तो मैंने कहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg and 2 kg रिस्पेक्टिवली। अब ये वेलोसिटी कैसे बताएंगे भाई साहब? तो एक नोटिसेबल बात और, कौन सी बात? कि जब यहां से छोड़ा था, इसको रिलीज किया था, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी और इसकी वेलोसिटी क्या थी? तो इसका मोमेंटम क्या था? तो इसका मोमेंटम क्या था? तो टोटल मोमेंटम क्या था? और ये पास आके टकराए क्यों? ये इनका आपस का मामला है यार, पारिवारिक मामला है। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स वोर्स लगाए होंगे, किसी ने धक्का थोड़ी मारा इसको कि ये जाके उससे टकरा गया, वो बैठा रह गया और फिर बोल रहा है कि भाई साहब सॉरी यार, पीछे वाले ने धक्का मारा था। ऐसा थोड़ी कुछ हुआ है। एक्सटर्नल एजेंट नहीं है मतलब यहाँ पर, है ना? एक्सटर्नल एजेंट होता और वो वर्क कर रहा होता तो हम यही कहानी ना लिख पाते। कैसे लिख पाते? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व थोड़ी रहती, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ जाता। तो अभी मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो मैंने कहा चलो पहला मोमेंटम बताओ शुरू में, 3 वाले का 0, 2 वाले का 0, अब 3 वाले का बताएं, 3v1, 2 वाले का बताएं, -2v2। माइनस क्यों लगाते हैं? अगर v1 को पॉजिटिव लिखा है तो v2 को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो आपने कहा यार फिर तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कि जो 3v1 है वो 2v2 के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी भी तो पता है ना हमको। हाँ, तो हमने कहा फिर तो भाई साहब देखो, काइनेटिक एनर्जी भी हमको पता था कितनी थी, 5g/3। तो मैंने कहा फिर तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे दोनों की जोड़ के, 1/2 mv1² + 1/2 mv2² और ये थी 5g/3। अब हमको पता है कि यार अब इस गरीबी से तो हमें
मतलब हमें सॉल्व करना आता है V1 V2 फाइंड करना, नहीं कर पाएंगे? कोई भी कर सकता है फाइंड, V2 की वैल्यू भी निकाल लिए, ये बताएं भाई अंडर रूट जी, पक्की बात मान लिया जाए, मान लिया जाए V2 की वैल्यू अंडर रूट जी बाय साइंटिस्ट रमन। तो अगर किसी को दिक्कत हो तो इन्हें पकड़ेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने नहीं निकाला है। सीवी रमन थोड़ी है तुम्हारा नाम, कह लें अभी भाई साहब आप देखते जाओ, सीवी रमन वहीं रह जाएंगे। और दूसरी वाली वेलोसिटी आपने जो बताई वो कितनी बताई? 2/3 ऑफ अंडर रूट जी, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बहुत सारे आपके पास सोच, नहीं काइनेटिक एनर्जी को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैंने तो वी पूछा है ना, हाँ फिर P²/2m से भी कर सकते हो। तो P निकाल लो और फिर दोनों की वेलोसिटी बता दो। देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपने कहा कि ये एक पार्ट, ये दो टकरा रहे थे, इसका मोमेंटम P होगा तो इसका भी P होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे P²/2×3, P²/2×2, और इसकी वैल्यू आपको दी गई थी 5g/3, तो P की वैल्यू आप लिख दो इधर, कितना आ जाएगा 12 से आ जाएगा, तो 2 और 3 5p². मैं चेक ही कर लेता हूँ, रमन अब तुम खतरे में आ गए हो, 5 5 उड़ गए, 3 से 4 बार, तो P की वैल्यू तो आ जाएगी g√2 2 √g आ गई। अब हमने कहा P की वैल्यू पता है, इसका मास है 3 किलोग्राम, तो 3 × V1 = √g, तो V1 आ गई 2/3 √g, एब्सोल्युटली करेक्ट, और V2 आ जाएगी 2 कट जाएगा √g, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हो, ये तो कैलकुलेशन है, मतलब कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब थोड़े गरीबों वाले सवाल भी कर लो, ना करें कर लो बोले। हाँ हाँ बिल्कुल, मास के इनवर्स रेशियो में, उसी से तो बोला सर, मास के इनवर्स रेशियो में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अगर मान लो जैसे आपको ये सिचुएशन दी गई थी, इसमें एक सवाल और, ये 3 किलोग्राम का था और ये आपको दिया गया था 2 किलोग्राम का, यहाँ पर इनके सरफेसेस के बीच का सेपरेशन कितना था? 18 नहीं था, 15 था, ये मैंने जोड़ घटा के सब कुछ सोच समझ के दिया था, ऐसे नहीं दिया था कि 18 ऐसे लिख दिया उठा के, ये 15 रखा था, है ना। अब मैंने कहा जब ये चलेगा कुछ यहाँ तक चला और ये चला यहाँ तक, तो ये अगर मान लो चला कुछ D1 और ये चला मान लो D2, तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टकराने से पहले 3 किलोग्राम वाला कितना चला, तो आप कहोगे देखो D1 और जो D2 का जो रेशियो है वो मास के इनवर्स में आएगा, क्योंकि ये पॉइंट होगा कौन, सेंटर ऑफ मास, तो ये 3:2 में 2:3 में होगा मास का उल्टा, मतलब D1 इसके मास के करस्पॉन्डिंग जाएगा और D2 इसके मास के करस्पॉन्डिंग जाएगा। तो आपने कहा 2 और 3 होते हैं 5, तो 5 × 3 करो तो ये हो जाता है 5 × 3 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9, तो ये चलेगा 6 मीटर, वो चलेगा 9 मीटर, ये एकदम पक्की बात है, मैंने गलत कर दिया नहीं। हाँ जी बोलो, ये कैसे कह सकते हो, ये मैंने नहीं कहा कि सेंटर ऑफ मास पिटर, ये मैंने कहा क्या, नहीं ये मैंने गलत कह दिया, ये गलत कह दिया मैंने, दिस इज रॉन्ग, आई एम वेरी सॉरी, ये नहीं बोलना था मुझे, ये मेरे को बिल्कुल नहीं बोलना था, है ना। मुझे क्या बोलना था कि अगर ये D1 चला
और ये डी टू चला, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, ध्यान रखना, ये मैं गलत बोल गया, थोड़ी भावनाओं में बह गया था, है ना। तो अभी अगर ये डी वन चला और डी टू चला, और अगर वेयर एवर सेंटर ऑफ मास, जहां पर भी नहीं रहे, नहीं है भैया ये सेंटर ऑफ मास, अरे यार नहीं है ना, सेंटर ऑफ मास सेंटर से निकालोगे डिस्टेंस रेशियो में डिवाइड करके, सेंटर ऑफ मास जो निकलेगा वो सरफेस से नहीं निकलता, सेंटर से डिस्टेंस का रेशियो निकलता है। तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं भी हो सकता है, उसका इश्यू नहीं है अपने को। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास नहीं चला है तो जितने भी ये चलेगा और ये चलेगा वो मास के इनवर्स में चलेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ये अच्छा सवाल था जिस पर मैं नॉर्मली ध्यान नहीं देता हूँ, आपने आज मेरे ज्ञान के चक्षुओं को खोला है, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट एकदम सही है ये, लेकिन सेंटर ऑफ मास पर नहीं टकराएंगे, तो सेंटर ऑफ मास टकराते समय कहीं और हो सकता है, जहाँ था लेकिन वहीं रहेगा, बस इतनी इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, डन। एक्सेलरेशन फोर्स वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, इसीलिए तो फोर्स से नहीं कर रहे हैं। चलो और करेंगे एक आध सवाल, हाँ जी। ये ऐसे इसलिए होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पर था, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो आप बोलोगे द चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आनी चाहिए। फिर आप लिखोगे कि अगर एक्स सी ओ एम की वैल्यू देखी जाए तो आप उसको लिख सकते हो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये ठीक है। अब आपने कहा अगर इसमें चेंज करोगे तो इसको चेंज को ऐसे लिखना चाहिए एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब आपने कहा ये लेकिन हमारी सिचुएशन में जीरो है, तो आप कहोगे कि फिर एम वन डेल्टा एक्स वन और एम टू डेल्टा एक्स टू मिला के क्या होना चाहिए, जीरो। वो मैंने लगा दिया यहाँ पर, समझ गए ना आप, एम वन ये दिख गया ना आपको कहानी। तो अभी जो डेल्टा एक्स वन और डेल्टा एक्स टू है वो एक पॉजिटिव में तो एक नेगेटिव में आएगा ही आएगा, मतलब अपोजिट में तो है ही और मास के इनवर्स में भी। क्लियर, कोई संदेह तो नहीं, ठीक। अब थोड़े गरीबों वाले भी सवाल कर लेते हैं कि ना कर लेते, कर लेते हैं काल ना कर? ये क्या है भाई साहब, लग रहा है क्यूब जैसे? yes, मेरा क्यूब कभी अच्छा नहीं बनता, बन गया क्या? अच्छा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्यूबर्ड भी नहीं बनता ये तमीज का, दो स्क्वायर वो मुझे बहुत, पहले मेरा क्यूब बहुत अच्छा बनता था। आप लोग बोल रहे हो कि मजाक चल रहा है क्या, झूठ बोलते हो। अब ऐसे गरीबी से ये तो और भी खराब होता है यार, इससे मालूम है क्या पता चलता है, मुझे एस्टिगमेटिज्म है, बीमारी भी कहने लगे भाई साहब अजीब सी लाते हो आप ढूंढ ढूंढ के, नाम नहीं सुना तुमने, टेंथ में आ गया था भाई साहब, हिम्मत कैसे कि तुमने नाम नहीं सुना, आए नहीं सुना, ठीक है चलो। अच्छा देखना, अभी यहाँ पर क्या किया, कॉर्नर पर मासेज रख दिए गए, सारे कॉर्नर पर पॉइंट मासेज रख दिए गए, कितने पॉइंट मासेज हैं, है गिनते रहना, नहीं तो एक आध कम बता दूँ, 12 कौन बोला था, नहीं बोले थे, अरे चार ऊपर चार नीचे, चार कॉर्नर ऊपर चार कॉर्नर नीचे, तो कितने मास रखे, 8। इसकी साइड लेंथ कितनी है, ए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अच्छा देखो एक और बात बताएं, ये जो सरफेस डायगोनल है इसकी लेंथ बता सकते हो,
सरफेस डायगनल। ए रूट टू पक्का, ए रूट टू ही आएगी ना पाइथागोरस, हाँ ए रूट टू आती है। सरफेस डायगनल की लेंथ आती है ए रूट टू, ठीक है। और इसमें एक लॉन्ग डायगनल भी होता है कॉर्नर से कॉर्नर, ये ऐसे ऐसे ले लो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जाओ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, इसकी लेंथ कितनी होती है ए रूट थ्री, तो इसको हम बोल देते हैं लॉन्ग डायगनल, है जी। बॉडी डायगनल, बॉडी डायगनल पक्का, बॉडी डायगनल है जी, प्रिंसिपल डायगनल। कितना है जी ए रूट थ्री, कोई घबराने की बात तो नहीं। मैंने कहा इसकी पूरे चार पूरे मासेस की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो कितने सेट बनेंगे, आपके पास आठ लोग हैं, आठ लोग हैं, आठ पर्सन हैं, आपने इनसे कहा कि तुम लोग सब आपस में हाथ मिलाओ, कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। सी टू पी टू नहीं आता मेरे को, है कि नहीं, मेरे को काय को आएगा। इस क्लास अभी अपन कितने लोग हैं, आठ ही हैं, देख लो गिन लो, मुझे और उनको मिला के आठ हो गए। अभी आपसे कहा जाए कि कितने हाथ मिलाए जाएंगे, सब लोग एक दूसरे मिलाएंगे तो कितने बार हैंडशेक होगा। तो ऐसे करते हैं, आप मुझसे बोलो कि आप हाथ मिलाओ, निकल लो, है ना। तो मैंने हाथ मिलाया सबसे और मैं चला गया, तो मैंने कितने लोगों से हाथ मिलाया, सात लोगों से। फिर आपने किसी दूसरे से बोला कि अब तुम सबसे हाथ मिलाओ, तुम भी निकल लो, छः, फिर पाँच, फिर दो, एक, तो एक से लेके सात तक जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा, जो लास्ट में बच जाएगा उसके सबसे हाथ मिल चुके हैं। कहने लगा उसको भी बोलो, कहने लगा फिर सबको इकट्ठा करके, तुम तो रह ही गए उसे सब लोग हाथ मिला चुके हैं ना, तो वो सबसे मिला चुका है। अंकित, अच्छे, इतना सीरियस मजाक कैसे लगा मेरा मजाक है। तो भाई कितने हाथ मिलाए गए, तो 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 28 होता है, 4 × 7 = 28 होता है, 28 हो गया। तो मतलब यहां पर 28 सेट बनेंगे, बना लो भाई सर, 28 सेट बनेंगे, ये समझ गए ना कैसे, मुश्किल थोड़ी है ना, नहीं तो 28 सेट कैसे बनाएंगे आप, अच्छा सुनना आप, देखो 28 सेट बनाने में तो निपटने वाले हैं अपन, 28 सेट में तो फिर बहुत देर लग जाएगी, तो ध्यान से देखना। इस पर ये जो साइड्स दिख रही हैं, साइड्स बताओ इसमें कितनी है, साइड्स कितनी है, तो आप कहोगे साइड्स कितनी है, अगर कोई आपसे पूछे क्यूब में तो आप कहोगे एक, एजिस दो, तीन, चार नीचे, चार ऊपर और चार वर्टिकल, तो आपके पास 12 तो साइड्स है। तो आपने कहा देखो 12 तो साइड्स वाले हैं, जो साइड्स वाले सेट हैं उनके बीच का सेपरेशन ए है। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ सरफेस कितने हैं, तो आपने कहा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः सरफेस हैं, है ना। तो आपने कहा इसमें छः सरफेसेज आएंगे और हर सरफेस में क्या होंगे, दो सेट होंगे, होंगे कि नहीं, हर सरफेसेज में सरफेस को देखना है तो सरफेस डायगनल वाले दो सेट बनेंगे, है ना, तो हर सरफेस में दो सेट होंगे और इनका गैप है ए रूट टू के बराबर। अब बचे कौन, बॉडी डायगनल, तो यहां से एक बॉडी डायगनल जाएगा और यहां से एक बॉडी डायगनल जाएगा, कितने बॉडी डायगनल हो गए, दो, एक यहां से जाएगा अपोजिट, एक यहां से जाएगा, चार, सब खत्म। तो चार बॉडी, चार बॉडी डायगनल समझ रहे हो, हाँ, चार बॉडी डायगनल, तो आपने कहा फोर बॉडी डायगनल, चार ही है ना, फोर बॉडी डायगनल और एक बॉडी डायगनल में उनका लेंथ कितनी है। चलो अब एनर्जी, अब एनर्जी लिखते हैं, तो मैंने लिखा जी एम एम अपॉन ए इंटू 12 इन माइनस, ये मेरे 12 साइड के हो गए,
12 ये हो गए थे और 12 12 24, 24 प्लस 4 28 पूरे सेट हो जाएंगे, है ना। तो ये तो आ गया मेरा 12 साइड के 4 सेट, वो 12 सेट। अब ये कितने सेट बनेंगे, एक सरफेस पर दो आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, आएंगे कि नहीं। तो अभी हमने कहा टोटल 12 हो जाएंगे फिर, तो आपने कहा इसको लिखेंगे आप माइनस जी एम एम अपॉन ए रूट 2 इंटू 12। क्या बात है, इसमें क्या लिखोगे, माइनस जी एम एम अपॉन ए रूट 3 इंटू 4। तो ये आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है इसमें, नहीं है ना, बढ़िया जी। तो इसको नोट कर लेंगे, है जी, किन्हें छोड़ दिया जाए बेटा, सारों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो सारों एक साथ सेंटर पर मिल जाएंगे, सेंटर ऑफ मास पर जाके टकराएंगे, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, नहीं, बात को आगे बढ़ाया जाए। एक छोटा सा सवाल करा लिया जाए, कहो तो करा लिया जाए, ना कराया जाए। ये एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, अनदर यूनिफॉर्म सिमेट्रिक कोएक्सियल रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, एकदम आइडेंटिकल दूसरी रिंग है भाई साहब। दो रिंग्स हैं, दिख रही हैं आपको, मैंने कहा भाई इनका रेडियस है r और सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ये है 2r, कितना है, दिक्कत तो नहीं, पक्का कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यहां पर एक पॉइंट है a, दिख रहा है आपको पॉइंट a, पोटेंशियल लिखो पॉइंट ए का, तो आप कहोगे ए पर जो पोटेंशियल आएगा वो रिंग नंबर 1 एंड रिंग नंबर 2 दोनों की वजह से आएगा। तो पहली रिंग की वजह से क्या लिखोगे, माइनस जी एम अपॉन आर, क्या बात है, दूसरी रिंग की वजह से क्या लिखोगे, तो ये तो आ गया फर्स्ट रिंग के कारण, ठीक है ना। क्यों लिखा आपने ये माइनस जी एम अपॉन आर, आपने कहा इसका कोई भी टुकड़ा ले लो जरा सा नन्ना सा और उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, आर है, तो हर टुकड़े का माइनस जी स्मॉल पार्टिकल अपॉन आर, माइनस जी स्मॉल पार्टिकल अपॉन आर, माइनस जी स्मॉल पार्टिकल, उनको सबको जोड़ोगे तो सारे पार्टिकल जोड़ के कैपिटल एम बना देंगे। मैंने कहा अब मुझे दूसरी रिंग का लिखवाओ, माइनस जी एम अपॉन, अब हमने कहा यहां पर कोई टुकड़ा ले लो तो यहां से इसकी डिस्टेंस बताओ, तो आपने कहा यार ये तो यार भाई से पाइथागोरस से आएगी, तो कितनी आएगी, तो आप कहोगे ये आएगी आर अंडर रूट 5, 4 और 1 5, तो यहां पर क्या लिख दोगे, आर अंडर रूट 5, ये आपका, ये किसकी वजह से आया, सेकंड रिंग की वजह से आया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, पक्का क्लियर है एकदम, ये भी कर देंगे आप, बढ़िया जी। और पूछें, एक छोटा सा पूछ लेते हैं, है ना, कोई अभी मैं, आप समझ रहे हो कि ये सारी बातें आपसे कोई नॉर्मली ग्रेविटेशन में करने लायक नहीं होती,
है ना। लेकिन अब क्या है, लोग पूछते हैं तो हम भी पूछ लेते हैं हमको क्या है। लोग हालांकि ग्रेविटेशन में ये हमारे पर्पस का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि वी आर गोइंग टू फेस अ कॉम्पिटिशन, उसमें वो कुछ भी हाइपोथेटिकल पूछते हैं, हम भी पूछ लेते हैं। तो वी आर नॉट लर्निंग साइंस जस्ट फॉर लर्निंग साइंस, वी आर लर्निंग साइंस टू कम्पीट अ एग्जाम। इसलिए दिक्कत है जीवन में, है ना। दिक्कत यही है बस, और क्या है। कहना भाई साहब एक बार कॉम्पिटिशन निकल जाए ना बस, उसके बाद भाई साहब मैं बता रहा हूँ चुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, ऐसा तो नहीं आता फील, ऐसा आता नहीं होगा। वैसे रिलेटिव इंटरेस्ट तो थोड़ा तो जनरेट होता ही है। चलो मैं बात कर रहा था, कुछ ध्यान से देखना आप, देखें देखो देखो देखना यहाँ पर ध्यान से, ये कौन है भाई? अर्थ है। कौन है ये? अर्थ है। वो सुना है आपने मीटियोराइट? सुना है मीटियोराइट? क्या होते हैं मीटियोराइट? कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में आके अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री लेता है तो उसे हम कहते हैं मीटियोराइट, है ना। और फिर क्या होता है, आते आते उसमें आग लग जाती है, तो हाँ तो फिर वो जल जाता है और फिर वो हमें टूटता तारा दिखाई देता है और फिर हम जुगाड़ में लग जाते हैं कि आज मांग लो जो मांगना है, फिर मिलता कुछ ना है, राख मिलती है और वो अगर मिल गया तो फिर मांगने लायक नहीं बचते। अरे वो बहुत हाई स्पीड से आते हैं ना। अभी मैंने देखा कि एक मीटियोराइट है बहुत दूर, इसका मास है स्मॉल एम, स्मॉल कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम ई, ठीक है। अभी मैंने बहुत दूर से टेलीस्कोप से लोगों ने पता लगा लिया कि एक मीटियोराइट सी वेलोसिटी टू नॉट से चला आ रहा है इस लाइन के अलोंग। क्या बताओ ये इसी लाइन के अलोंग चलता हुआ निकल जाएगा? ना निकलेगा, तो कहाँ जा सकता है? मुड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा बताओ ये यहाँ पर टकरा सकता है क्या? नहीं टकराएगा। काय टकरा सकता है क्या? बट टकरा तो भाई सब सकते ही है। यहाँ टकरा सकता है क्या? बोले यहाँ भी टकरा सकता है। तो यहाँ टकरा सकता है क्या? यहाँ भी टकरा, यहाँ कहाँ से टकराएगा यार? कहीं भी टकरा सकता है। हाँ जी बहुत दूर है, बहुत दूर। कहां पर है? बहुत दूर, बहुत दूर है। नो एटमॉस्फियर, कोई एटमॉस्फियर पेटमॉस्फियर अर्थ का मैं नहीं मान रहा हूं। अब बताओ यहां टकरा सकता है? टकरा सकता है? अब नहीं टकरा सकता। यहां कैसे टकराएगा भाई? नो एटमॉस्फियर, स्पीड जो है इसकी एनर्जी टोटल कम नहीं होगी, एयर फ्रिक्शन नहीं लगा रखा, एटमॉस्फियर हटा दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोटिस करना। अभी मैंने एक लाइन से इस ऑब्जेक्ट को मान लो जोड़ा, अभी मैंने कहा ये बीच में कहीं पर, यहां पर सोचो इसको थोड़ा पास ले आओ, इसके पास एक वेलोसिटी है इधर की तरफ, तो अभी जो इस पर फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ, अर्थ का अट्रैक्शन। तो अभी अगर इसके पास कोई वेलोसिटी मान लो एक्स्ट्रा आई भी तो थोड़ी सी इधर को आएगी, तो नेट इधर चलेगा। तो कभी भी आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप एक बड़ी नोटिसेबल बात देखोगे कि जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था तो ये लाइन जाके ऑब्जेक्ट को टच करेगी, मतलब अगर ये टकराया टकराया तो इसी जोन में टकराएगा। नहीं समझ रहे मेरी बात को? ऐसे करके कहीं इस जोन में टकराएगा। अरे ये इस पर फोर्स इधर को लगेगा, पहले वेलोसिटी इधर थी, कुछ वेलोसिटी इधर आई तो नेट वेलोसिटी अंदर ही तो रहेगी, बीच की तरफ रहेगी तो इधर जाके टकराएगा ना, कहीं उधर कहाँ चला जाएगा जब वेलोसिटी नहीं आ रही उधर की तरफ। तो ये वाली डिस्टेंस वर्टिकल वाली ज्यादा रही
नहीं, अगर टकराया तो किधर टकराएगा, ये सवाल था। अब तुम बोले टकराया नहीं तो फिर कैसे टकराएगा? हाँ मतलब थोड़ा पास जब आने लगेगा तो फील्ड आने लगेगी, फोर्स आने लगेगा अट्रैक्शन का, लेकिन वो फोर्स भी जो वेलोसिटी जनरेट करेगा वो फोर्स भी तो इसी जोन में वेलोसिटी लाएगा। अरे वो फोर्स जो भी लगेगा, ये किधर की तरफ वेलोसिटी थी, कुछ इधर की तरफ वेलोसिटी आ गई, तो नेट वेलोसिटी तो बीच में ही रहेगी ना कहीं, ठीक है ना। अच्छा अब देखना ध्यान से, अब मैंने कहा कि मान लो कि ये सब मैं थोड़ी ज़्यादा बातें कर गया, नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ लेकिन आज मैंने कर ली। ये मास एम था, इसके पास एक वेलोसिटी थी यू नॉट विन अ लार्ज डिस्टेंस, और अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में ये चलने लगा, जब आने लगा तो ये मुड़ने लगा अपने रास्ते से, और मुड़ते 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 ये यहां से ऐसे निकल गया, जस्ट ग्रेज करके निकल गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? जस्ट ग्रेज करके निकल गया, हमको क्या है, हाँ जी, हाँ जी, एटमॉस्फियर मैंने लिखा था, नो एटमॉस्फियर, हाँ। तो मैंने कहा जब ये यहां से गुजरा है ना भाई साहब, जस्ट ग्रेज करता हुआ, इस समय इसकी वेलोसिटी चाहिए, ये इसकी जो डिस्टेंस थी इसको दे दिया बी, दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। ये निकल गया सवाल में दिया हुआ है, बोले निकल क्योंकि हमारी खोपड़ी पे टकरा जाता, ऐसे किसी निकल क्योंकि क्या, क्या मतलब यार निकल गया, ये तो सवाल में दिया हुआ है कि अगर ये यहां से ग्रेज करता हुआ निकल गया तो यहां पर जब बिल्कुल नियरेस्ट था तब स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो सुन लो फिर ध्यान से, सुनना ध्यान से मेरी बात, सुनना ध्यान से। अभी क्या है कि अभी अगर ये सेंटर है अर्थ का, इस पार्टिकल को आप कभी भी देखो तो इस पर फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ये यहां पर आ गया फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, यहां पर आ गया फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो हमेशा क्या आएगा, अगर टॉर्क जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहा तो शुरू में आपने कहा देखो इसके पास वेलोसिटी थी वी नॉट और ये आपकी लाइन थी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, तो एंगुलर मोमेंटम था पहले एम वी आर परपेंडिकुलर था कि नहीं, और जब ये यहां पर किसी वेलोसिटी मान लो ये वी हमको फाइंड करनी है, यहां पर आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, आर के बराबर, तो आप इसको लिखोगे एम वी आर के बराबर। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर वेलोसिटी, यू नॉट बी बाई आर, अरे मुश्किल थोड़ी है यार, मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं कंजर्व कर दो, बिल्कुल कर देंगे हम। अब इन्होंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व करो, तो मैंने कहा वो भी कर सकते, तो मैंने कहा चलो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल लिखेंगे, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा ये तो बहुत दूर था यार, तो आप लिखोगे इसका मास था एम और पोटेंशियल था वहां पर जीरो, काइनेटिक एनर्जी बताएं हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहां पर आ गया तो आप लिखोगे माइनस जी एम ई अपॉन आर इंटू स्मॉल एम के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या इक्वेशन आ गई आपके पास, हाफ एम यू नॉट स्क्वायर प्लस जी एम ई एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं, आई कि नहीं, आई कि नहीं आई, आई। तो आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, कौन कौन सी, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनसे वो आपसे कितनी बातें पूछ सकता है? दो बातें। कितनी बातें? जो उसका मन होगा पूछ लेगा, जो उसका मन होगा दे देगा। टॉर्क सेंटर के अबाउट, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, तो सेंटर के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क, ठीक है। अगर फोर्स किसी पॉइंट से गुजर जाए तो उस पॉइंट के अबाउट फोर्स का टॉर्क हमेशा आएगा जीरो, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये पॉइंट से, और पॉइंट से गुजर गए। जैसे कोई मुझसे बोले कि ये मेरा हाथ है, यहाँ पर एक पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप कहोगे नाप लो ये। अब मैंने कहा अब, कहने लगे आप डिस्टेंस घट गई, अब डिस्टेंस घट गई, अब कहने लगे आप काय की डिस्टेंस, है ना। तो अगर फोर्स की लाइन पॉइंट से गुजर जाए तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? अरे है क्या? एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का होता है एम वी आर परपेंडिकुलर। ये बी दिया था ना मैंने आपको। अरे इस समय जब पार्टिकल यहां पर था तो इसका मोमेंटम लाइन ये थी, इसकी मोमेंटम लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? ठीक है, आज यहीं तक करें फिर, ठीक है, चलिए।